वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्री अकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग जो चैप्टर है बेसिकली वो फॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, दैट डील्स विद द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी क्रिमिनल्स डिसेंसी एंड द मॉरल्स। तो इस सेशन में आज हम लोग 10 सेक्शंस जो है वो कंप्लीट करेंगे, दैट इज 268 अप टू सेक्शन 279। एंड दीज सेक्शंस आर ऑल ऑब्वियसली आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत चांसेस आते हैं है कि प्री पॉइंट ऑफ में नंबर ऑफ टाइम जो है वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस सेक्शन में। तो ये लेक्चर है, इससे इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा अप टू सेक्शन 299 तक आप लगा लो कि यहाँ से लेके 268 टू अप टू सेक्शन 298 तक प्री पॉइंट ऑफ व्यू नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आते हैं, तो काफी टाइम रिपीट हो चुका है, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू, दीज सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 268। 268 it deals with the public nuisance. It deals with the public nuisance. टॉट में हमने बात की थी कि न्यूसेंस क्या होता है, राइट? एंड सेकेंड थिंग, टॉट में आपने पढ़ा होगा कि जो टॉट में जो है वो प्राइवेट न्यूसेंस की बात की जा रही है। बेसिकली न्यूसेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक न्यूसेंस। अगर आप किसी की लाइफ में डिस्कम्फर्टेबल दे रहे हो, वो पर्सन जिसका राइट है किसी चीज को एंजॉय करने का, एंड यू गिव डिस्कम्फर्ट टू दैट पर्सन फॉर एंजॉइंग दैट राइट, तो आप उसको न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो। राइट, सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, लाइक मुझे राइट है, इट्स अ फंडामेंटल राइट कि मुझे स्वच्छ हवा जो है वो मुझे मिलनी चाहिए। अगर मेरा नेबर जो है वो कोई स्मोक वगैरह या कोई कोई आग लगाता है जिससे मेरी जो जो एटमॉस्फेयर है वो खराब हो जाता है, जिससे मेरी जो एयर है वो स्वच्छ नहीं रहती, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो न्यूसेंस है, बट वो प्राइवेट न्यूसेंस है क्योंकि वो सिर्फ मुझे इफेक्ट कर रही है। अगर वो न्यूसेंस पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करे तो डेफिनेटली वो हमारा पब्लिक न्यूसेंस हो बनेगा। तो यहां पर हम लोग बात करें पब्लिक न्यूसेंस या पब्लिक न्यूसेंस इज अ क्राइम, वेयर एज अ पब्लिक प्राइवेट न्यूसेंस इट इज नॉट अ क्राइम अंडर द इंडियन पेनल कोड, बट फॉर दैट यू कैन क्लेम द कंपनसेशन अगेंस्ट द पर्सन जो जिसने आपके प्राइवेट न्यूसेंस को डिस्कम्फर्ट किया। अदरवाइज जो पब्लिक न्यूसेंस है इट इज अ क्राइम, इट इज वेल सेटल्ड लॉ दैट 268 जो है वो पनिश कर रहा है उन पर्सन्स को जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक एट लार्ज में। तो वेरिएट लैंग्वेज अपने आप में बहुत क्लियर है कि वो पर्सन अ पर्सन गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट, उसने चाहे कोई भी एक्ट किया हो लेकिन उसके एक्ट से जहां उसने कोई इलीगल एक्ट जो था वो ओमिट कर दिया, उसने एक्ट नहीं किया जहां पर उसकी ड्यूटी थी उसने वो ड्यूटी नहीं निभाई, उसकी वजह से कॉमन इंजरी हो रही है। आई एम सेइंग कॉमन वर्ड, तो कॉमन मीन्स पब्लिक एट लार्ज, डेंजर और अनॉइंस टू पब्लिक, उसके एक्ट से खतरा है किसी को, पब्लिक एट लार्ज को, पीपल इन जनरल हु ड्वेल और क्यों जहां जो पर्सन वहां पर रह रहे हैं उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसके एक्ट से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज आ पब्लिक न्यूसेंस। लाइक सम पर्सन जो है वो अगर वो पर्सन रात के समय जो है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, लाइक हम लोग ये भी कह सकते हैं कोई पर्सन ने जो आग लगा दी और आग लगाने के कारण जो एटमोसफेयर है वो पूरे विलेज का वो खराब हो गया, जिसके वजह से वो पर्सन जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है जो ठीक होने वाले थे उसको ज्यादा फिर प्रॉब्लम अस्थमा की आ गई, तो वो पर्सन जो है उसने वो पर्सन जो अक्यूज है उसने पब्लिक जो न्यूसेंस का जो है वो ऑफेंस कमिट कर दिया सेक्शन 268 के अंदर। तो 268 की जो खासियत है वहां पर सिर्फ जो पनिशमेंट है वो बहुत ही कम पनिशमेंट दी गई है, तो कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस एंड एडवांटेज। यहां पर जो कॉमन न्यूसेंस की बात की जा रही है वो किसी को एडवांटेज दे रही है या किसी को डिसएडवांटेज दे रही है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन एट ऑल, ये क्वेश्चन राइज नहीं होता। यो अक्यूज पर्सन ये नहीं कहता कि सर मेरी न्यूसेंस से इस पर्सन को अच्छा हुआ है, सम गुड थिंग्स हैपेंड टू दिस पर्सन, ऑल्दो हमने तो सिर्फ ये देखना कि आपकी न्यूसेंस से जो है वो पब्लिक एट लार्ज जो है वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको, किसी को अच्छा हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 268 की जो खासियत है कि 268 जो है वो पब्लिक न्यूसेंस को कवर किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है 269 की बात कर रहे हैं, वहां पे नेग्लिजेंट वर्ड यूज किया है, नेग्लिजेंट, इट इज अ नेग्लिजेंस, मींस वहां पर आपकी नॉलेज नहीं है, वहां पर आपको इंटेंशन नहीं है किसी चीज की,
नेगलिजेंट एक्ट है, क्योंकि आपने प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशंस वहां पर यूज नहीं किए, तो आपके नेगलिजेंट एक्ट से कोई डिसीज जो है वो स्प्रेड हो गई। ऐसी डिसीज, ऐसी इंफेक्शन जो डेंजरस टू लाइफ है, डेंजरस टू लाइफ है। तो मैं 269 और 270 दोनों को इकट्ठे पढ़ता हूं, क्योंकि यहां पर दोनों जगह पर डिसीजेस की जो वर्ड यूज किया गया है, बट समथिंग जो 269 वो नेगलिजेंट वर्ड यूज किया गया, क्योंकि वहां पर कोई नेगलिजेंस है, क्योंकि पर्सन ने प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन यूज नहीं की। एंड सेक्शन 270 में मैलिग्नेंट वर्ड यूज किया गया, इट इज समवेयर दैट कि आपकी इंटेंशन है वहां पर। तो ये फर्क है 269 एंड 270 में, बट दोनों सेक्शंस में वहां पर इंफेक्शन की बात की गई और वो डिसीज जो है वो डेंजरस टू लाइफ है। तो दोनों सर्कमस्टांसिस में जो हम लोग नेगलिजेंट की बात कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन जो है जिसको पता है, जिसकी भाई वहां पे लिखा है एंड विच ही नोज हूएवर अनलॉफुली और नेगलिजेंटली डज एनी एक्ट विच एंड विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन, जिसको पता है कि अभी इससे इन्फेक्शन हो सकती है, बट आपकी नेगलिजेंस के कारण वो इन्फेक्शन किसी और होती है, जो इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो है वो डेंजरस टू लाइफ है, तो हम लोग इस सेक्शन में कवर करेंगे 269 में। 279 मेडिकलेंट वर्ड, और मैंने यहां पर एक केस और डिस्कस किया है, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेट। यहां पर क्या हुआ, मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई। मिस्टर एक्स ने हॉस्पिटल जेट से एच आई वी पॉजिटिव जो था, सॉरी एच आई वी का टेस्ट करवाया था, एंड जो वो हॉस्पिटल जो था उसने जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हुई थी, मैरिज होने वाली थी, उसको हॉस्पिटल ने बता दिया कि मिस्टर एक्स जो था वो एच आई वी पॉजिटिव है। एंड ड्यू टू दैट वन रीजन जो थी उनकी जो मैरिज थी वो खत्म हो गई, वो टूट गई। नोबडी वांट कि हमें मैं उस पर्सन के साथ मैरिज कराऊं जिसको एच आई वी पॉजिटिव है। एंड ड्यू टू दिस रीजन जो मिस्टर एक्स है, राइट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द हॉस्पिटल टू कि वहां पर जो रिपोर्ट होती है वो कॉन्फिडेंशियल रखे। जो जो इस केस में मुद्दा था वो यही था कि मिस्टर एक्स ने कहा कि जो मेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी वो सिर्फ मुझे बतानी चाहिए थी, जैसे हॉस्पिटल को बतानी चाहिए थी। उसने वो डिस्क्लोज की उस लड़की को जिससे मेरी मैरिज थी। नाउ उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे उन्होंने जो रिपोर्ट डिस्क्लोज की तो पूरी लोकेलिटी को पता लग गया जहाँ पर मिस्टर एक्स रहता था कि इसको एच आई पॉजिटिव है। ड्यू टू दैट रीजन काफ़ी इंसल्ट महसूस की उसने मिस्टर एक्स ने, एंड ही लेफ्ट द लोकेलिटी। उसने परमानेंटली वो लोकेलिटी छोड़ के कहीं और जो है वो चला गया। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मिस्टर एक्स ने उसके बाद हॉस्पिटल जेट के ऊपर केस फाइल कर दिया, और जहाँ पर जो था उन्होंने जो सूट फाइल किया नेशनल कमीशन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल में, तो वहां पर जो नेशनल जो हमारी कंज्यूमर डिस्प्यूट था हमारा रिड्रेसल कमीशन, उन्होंने वो जो सूट था वो खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि जो हॉस्पिटल ने जेड ने आपकी मिसेस एक्स को जो थी वो इन्फॉर्मेशन दी है, जिसकी वजह से किसी की लाइफ भी तो बची है। आपकी डेथ होनी है, कब होनी है हमें नहीं पता, इट्स अप टू यू, बट उसकी हमने जान बचा ली। और ये जो बेसिकली जो काम किया है एक्स ने हॉस्पिटल जेड ने वो सही किया है, तो उसने जो उसकी सूट था वो डिसमिस कर दिया। एंड एंड अगेंस्ट दैट ऑर्डर जो था मिस्टर एक्स ही अप्रोच टू द अपेक्स कोर्ट, और अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हॉस्पिटल जो है उसकी ड्यूटी है कि ऐसी रिपोर्ट्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, बट यहाँ पर जो ड्यूटी है एंड द राइट ऑफ द मिस्टर एक्स की उसकी रिपोर्ट को किसी और को डिस्क्लोज ना किया जाए, वो राइट जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है तो डेफिनेटली वहां पर हम किसी की हेल्थ, सोसाइटी की प्रोटेक्शन को लेकर, है ना, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो जो रिस्ट्रिक्शन हम लोग अब्सेप्ट कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो जेड हॉस्पिटल है उन्होंने जो ये डिस्क्लोज किया है मिसेस एक्स को ये बात कि आपके मिस्टर एक्स को जो वो एच आई पॉजिटिव है जिसकी वजह से इनका रिश्ता टूट गया, तो लॉ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल वैलिड है, सही है, कोई इलीगल एक्ट नहीं किया हॉस्पिटल ने कि वहां पर किसी एक पर्सन की हमने जान बचा ली। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि भाई यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल की, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो ये कोर्ट ने हेल्ड किया था। तो इसलिए यहां पर 270 में हम लोग कहते हैं कि इट्स अ मेडिकलेंट एक्ट, और इसकी जो सजा बेसिकली वो 2 years है, एंड इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, राइट। दूसरी बात अगर हम बात करें, यहां पर वापस जाता हूं मैं 269 पे, क्योंकि वहां पर नेगलिजेंट एक्ट की बात की थी। अभी हमें समय हम सबको पता है कि जो कोरोना का टाइम है,
राइट, कोरोना के टाइम में काफी ऑर्डर्स पास हुए हैं गवर्नमेंट के, काफी ऑर्डर्स जो है वो डीसी द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा पास किए गए। 144 ऑफ सीआरपीसी में उन्होंने ऑर्डर स्ट्रिक्टली किया कि कोई भी जो पर्सन है वो एक सोसाइटी में इकट्ठे नहीं कर सकता, इकट्ठे नहीं बैठ सकते कई पर्सन, क्योंकि अगर आपको इकट्ठे बैठना है तो यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस। आपको प्रॉपर डिस्टेंस जो है एज पर लॉ ने कहा कि हाँ भी 6 फुट की दूरी पे आपको बैठना है, यू हैव टू कवर द मास्क प्रॉपर, आपको बेस्ट मास्क पहने हैं तो सैनिटाइजर आपको यूज करना है टाइम टू टाइम, वो 144 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। अगर आप उनकी वायोलेशन करते हो उन ऑर्डर की, कोई पर्सन जो है एक मोटरसाइकिल पर 3 जने जा रहे हैं, इट इज अ मैलिग्नेंट एक्ट, इट इज अ मैलिग्नेंट एक्ट, सॉरी इट इज अ नेग्लिजेंट, इट इज द डेफिनेटली अ नेग्लिजेंस, क्योंकि यहां पर अगर नेग्लिजेंस की बात की जाए तो उनको पता है कि इससे डिसीज पैदा हो सकती है। तो नॉर्मली जो है वो FIR रजिस्टर्ड होती है 188, क्योंकि इट इज एन ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसकी वायलेशन हुई है, तो 188 रेड विल सेक्शन 269 जो है नॉर्मली हमारी होती है FIR रजिस्टर्ड, उसके साथ 195 ऑफ सीआरपीसी कंप्लायंस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिटर्न जब तक कंप्लेंट फाइल नहीं होती उस चलान के साथ, उस फाइनल रिपोर्ट के साथ, तब तक जो है वो फाइनल रिपोर्ट की कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं ले सकती। राइट, हम लोग वापिस आते हैं, दैट इज 271 सेक्शन। 271 कह रहा है डिसोबीडेंस टू क्वारंटाइन रूल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना टाइम में जिन पर्सन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है या जिनके सिम्टम्स जो है वो पता चल गए हमें कि हाँ भी कहीं ना कहीं वो कोरोना हो सकता है, वो एडवांस है या फर्स्ट स्टेज है, वो हो सकता है कोरोना की, तो सिम्टम्स हमें पता लग गए, अब ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, चाहे वो होम क्वारंटाइन है, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन है, चाहे किसी होटल में क्वारंटाइन किया जाएगा आपको 21 डे के लिए, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देगी, आपको ऑर्डर दे देगी, यू हैव टू मेंटेन दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, यू हैव टू ऑबे दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। आपने उसको वायलेट कर दिया, आपने वो क्वारंटाइन रूल को तोड़ दिया, यू आर लाइन अंडर सेक्शन 271। सो हुएवर नोइंगली जो डिसोबे कर रहा है उन रूल्स को जो प्रोमुलगेट किए गए हैं, बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा ताकि किसी वेसल को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो जाने से मना कर दिया। लेकिन हमें पता है कि जब कोरोना का टाइम स्टार्टिंग में मार्च में था तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो जाना था वो इट्स नॉट पॉसिबल, तो स्टेट टू स्टेट तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। एक पंजाब का पर्सन दिल्ली में अपना वेसल्स लेके नहीं जा सकता, कार लेके नहीं जा सकता, तो उनको रोक दिया गया था, उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी जो कार या व्हीकल्स है वो एक दूसरे की डिस्ट्रिक्ट को वो जो है वो एंटर नहीं कर सकता। तो ये रूल्स थे हमारे, और इंटरकोर्स नहीं कर सकता दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आपने इन निर्देशों को नहीं माना, तो इन निर्देशों को अगर आप ना मानते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्फेक्शन डिसीजेस जो है वो प्रिवेल कर देती है और कहीं ना कहीं आपको हो जाती है और दूसरे को भी इन्फेक्ट हो जाता है, तो यहां पर आपकी लायबिलिटी जो है वो पैदा हो जाती है और आपकी पेनल्टी है जो 6 मंथ और फाइनल विद बोथ रखा गया है। इंपॉर्टेंट थिंग है ये, क्योंकि वहां पर क्वारंटाइन रूल वर्ड यूज किया गया है। देन वी हैव अ सेक्शन 272 की अगर मैं बात करूं, वहां पर वर्ड लिखा है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। अभी मैंने सेल की नहीं है क्योंकि सेल में करूंगा 270 नेक्स्ट सेक्शन में, 273 में, 272 में मैं सिर्फ उन फूड और उन ड्रिंक को अडल्ट कर रहा हूं, अडल्ट्रेशन कर रहा हूं कि मिक्स कर रहा हूं मैं, लाइक दूध में मैंने पानी मिला दिया तो उसकी जो डेफिनेटली है उसकी जो एफिशिएंसी वो कम हो जाती है। तो यहां पर वर्ड लिखा है हूएवर अडल्टर्स एनी आर्टिकल ऑफ फूड और ड्रिंक, यहां पर जो फूड और आर्टिकल के जो फूड और ड्रिंक के आर्टिकल्स है उसी की बात कर रहा हूं, सो एज टू मेक सच आर्टिकल नॉक्शियस, हम लोग उसकी एडल्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि वो जो फूड और ड्रिंक है वो नॉक्शियस हो जाए। इंटेंडिंग टू सेल सच आर्टिकल, मेरी इंटेंशन है कि मैं उन फूड और ड्रिंक को सेल करूंगा, जब नोइंगली इट टू बी लाइक दैट सेम शैल बी सोल्ड, जब मुझे पता है कि जिसकी मैं एडल्ट्रेशन कर रहा हूं उनको बेचा जाएगा सोसाइटी में, बेचा जाएगा, अभी मैं सेल नहीं कर रहा, अगर मैं सेल कर रहा हूं वो 273 में फेंस है, मैं सोच रहा हूं मुझे नॉलेज है कि मैं इसकी एडल्ट्रेशन कर रहा हूं तो डेफिनेटली ये नॉक्शियस हो गया। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि पेस्टिसाइड ज्यादा यूज किए जाते हैं, कई तो पर्सन जो है वो इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन वो नर्स जो पेस्ट हमारे वेजिटेबल्स रहता है वो रातों रात भरे हो जाए, नॉर्मल है हमारे इंडिया में, तो जिसकी वजह से वो नॉक्शियस हो गया, अडल्टर कर दिया आपने, मिल्क में दूध मिला दिया, वो पहले जैसा नहीं रहा, वो प्योर नहीं रहा, तो आपने ऑफेंस कमिट कर दिया, आपको पता है कि उसको सेल किया जाएगा या आपकी नॉलेज में है कि उसको सेल किया जाएगा डेफिनेटली, तो यू आर लायबल एंड पेनल्टी इज ऑब्वियसली देयर, 6 मंथ पेनल्टी है, 1000 रुपीज फाइन है और बोथ भी हो सकती है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये हमारा कॉमन लॉ था 272 ऑफ इंडियन पेनल कोड, अगर हम बात करें, क्योंकि ये तो सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है हमारी, इट इज अ सोशल जो है बेसिकली वो सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस है, जिससे हम लोगों ने एक नया सेपरेट एक्ट बना दिया, क्योंकि दिस सेक्शन इज नॉट सूटेबल, प्रॉपर सूटेबल नहीं है कि एक अक्यूज पर्सन को हम लोग प्रॉपर सजा दे सके, क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ की सजा कोई ज्यादा बड़ी सजा नहीं है, इसलिए हमने प्रॉपर एक नया एक्ट बना दिया, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, एंड दिस सेक्शन जो है वो इसके बेस पे हमने एक नया एक्ट बना दिया जो कि सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वहां पर सजा भी है वो काफी कठोर दी गई है, तो इसके लिए इन सेक्शन के बेसिस पे हमने वो नया एक्ट बनाया, क्योंकि ये सेक्शन अपने आप में इतनी पनिशमेंट जो थी 6 मंथ की वो सफिशियंट नहीं है किसी क्यूज के लिए। दूसरी बात 273 में, जैसे मैंने कहा कि वो जो अडल्टेड जो फूड और ड्रिंक थी वो मैं अभी सेल कर रहा हूँ 273 में, अगर मैं उन पर्सन को सेल कर रहा हूँ, आर्टिकल्स को सेल कर रहा हूँ, तो हुएवर सेलर ऑफर, मैं ऑफर भी कर रहा हूँ सेल कर, या एक्सपोज फॉर सेल फॉर ड्रिंक और फूड या एनी आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, वो भी फूड और ड्रिंक ही होना चाहिए, अगर मैं उनको सेल कर रहा हूँ, जब उनको नॉक्शियस करके मैं सेल कर रहा हूँ, ये पता है कि वो अनफिट है, वो फूड और ड्रिंक के लिए अनफिट है, बट मुझे नॉलेज है, मैं बिलीव कर रहा हूँ कि वो नॉक्शियस, बट स्टिल उसके इंस्पायर ऑफ डैट मैं उसको सेल कर रहा हूँ। अब सेल करना अपने अपने फैंस है, जिसकी सजा फिर 6 मंथ, 1,000 फाइन और बहुत हो सकती है। देन वी हैव सेक्शन 274, यहां पर ड्रग्स की बात की गई है, ड्रग्स अडल्टर ड्रग्स, हमें पता है कि ड्रग्स, हम लोग पता है कि जो पैरासिटामोल है ना, क्रोसिन है, वो हमें पता है, लेकिन अगर उनकी जो बेसिकली ड्रग्स है, अगर मैं उनको अडल्ट कर दूं ताकि जो उसका प्रॉपर चेंज हो जाए सिस्टम, तो यहाँ पे वर्ड किया हुएवर अडल्टेड एनी ड्रग और मेडिकल प्रेपरेशन सच अ मैनर, जहां मेडिकल को प्रिपेयर करने का जो सिस्टम है हमारा, रूल जो फॉर्मूला है, उसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। अब जिस जो मेडिसिन एक्चुअली में भरनी थी वो भरी नहीं, क्योंकि उसमें अडल्ट्रेशन हो गई है, डेफिनेटली अगर वो जिस पर्पज के लिए वो बनाई गई थी, एक्सपोज वो फीवर के लिए बनाई गई थी, वो अफेक्ट नहीं करेगी उस पर, वो सूटेबल नहीं है उसके लिए, तो यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ जहाँ, और टू मेक इट नॉक्शियस, अब यहाँ पर इन हमारा पर्पज क्या है 274 का, सो यहाँ पर वो लिखा है एज टू लेसन द एफिशियंसी और चेंज द ऑपरेशन ऑफ सच ड्रग। एफिशियंसी, एक मेडिसिन की एक एफिशियंसी होती है कि अगर मैं खाऊंगा पैरासिटामोल तो डेफिनेटली मेरा जो फीवर है वो हाफ हार्डली 20 or 15 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। अब मैंने वो ड्रग उसको एडल्टर्ड कर दिया, अब वो जो फीवर था, अब मैंने वो मेडिसिन यूज कर लिया, वो फीवर मैंने 2 घंटे में, 2 आवर्स के बाद वो मेरा कम हुआ, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। अब एफिशिएंसी कम हो गई तो यहां पर हम उसी की बात करेंगे, अगर आप एडल्ट्रेशन कर रहे हो जिसकी वजह से वो ड्रग्स, वो मेडिसिन की जो एफिशिएंसी वो कम हो जाए, जब उसका ऑपरेशन चेंज हो जाए, अब वो इफेक्ट नहीं कर रही फीवर पे, तो भाई यू आर लायबल, अगर आप सेल कर रहे हो यू आर लायबल, एंड यहां पर एडल्ट्रेशन है और 275 में वहां पर सेल की जा रही है, तो दोनों सेक्शंस कॉमन है हमारे लिए, ड्रग्स हम वहां पर एडल्टर कर रहे हैं उसके बाद हम लोग सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जिसको नॉलेज है कि वो ड्रग जो है वो ऑलरेडी जो एडल्टर ड्रग्स है, इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे पता है कि वो उसकी जो एफिशिएंसी कम हो चुकी है, मुझे पता है कि उसका जो ऑपरेशन बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसका फॉर्मूला चेंज हो चुका है, अब उस बीमारी पर इफेक्ट करेगी नहीं, तो इंस्पाइट ऑफ दैट मैं उसको सेल कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ किसी को सेल करने की, तो डेफिनेटली आई एम लाइबल फॉर 6 मंथ, 1,000 फाइन और विद बोथ। तो हमारे इंडिया में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है हमारे लिए कि यहाँ पर पनिशमेंट का जो प्रावधान दिया गया है हमारे आईपीसी वो बहुत कम है, बहुत कम सजा दी गई है, इसीलिए हमने नए एक्ट जो थे वो बना दिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी को वो अफेक्ट कर रहे थे प्रॉपर। देन वी हैव सेक्शन 276, इट डील्स विद द सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रेपरेशन। डिफरेंट ड्रग, मुझे पता है जो मेडिसिन है वो मेडिसिन एक्चुअल में सिर्फ नथिंग एल्स, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मीठी गोली है, कुछ नहीं है, वो मीठी गोली है, जब वो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए है, लेकिन मैं वो किसी और बीमारी के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वर्ड लिखा है सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रेपरेशन। हमें पता सब कि NDPC एक्ट में जो ट्रेमाडोल है उसको आप सेल नहीं कर सकते, इवन आपकी पोजेशन में भी अगर वो ट्रेमाडोल की मेडिसिन पाई जाती है तो वो अपने अपने फेंस है। तो जो हमारा स्ट्रिप्स होती है, एक पत्ता होता है हमारा मेडिसिन का जिसमें 10 टैबलेट्स होती हैं स्ट्रिप, वो अगर हम लोग ऊपर से चेंज कर दें, हमें पता है कि वो अंदर ट्रेमाडोल है लेकिन ऊपर से हम वो ऐसा टाइप से उसको स्ट्रिप्स को बना दें ताकि वो एक लाइक सपोज मैंने ऊपर पैरासिटामोल ले दिया, तो मुझे पता है कि वो अंदर क्या ट्रेमाडोल है पर ऊपर से पैरासिटामोल लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ उसी कस्टमर को दूंगा जो एक्चुअल में नशा करते हैं, तो मेरी सेल भी हो रही है,
तो डिफरेंट ड्रग हो गया हमारा, तो ये हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से पनिशमेंट इज सेम 6 months 1,000 और विद फाइन। सो हूएवर नोइंगली सेल्स और ऑफर और एक्सपोजेस फॉर सेल और इश्यू फॉर ए डिस्पेंसरी फॉर मेडिकल पर्पज एनी ड्रग और मेडिकल प्रेपरेशन एज ए डिफरेंट ड्रग और मेडिकल प्रेपरेशन, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर लाइबल बनाएंगे और उसकी पनिशमेंट जो है वो ऑटोमसली बिल्कुल 6 months 1,500 बहुत है, पनिशमेंट बहुत कम है हमारे सोसाइटी में, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अ सेक्शन 277, पानी को गंदा करना। कौन सा पानी? जो हम लोग पी रहे हैं, जो हमें पता है कि वहां से हमारे घर को आएगा पानी पीने के लिए, जो रिजर्वर है हमारे जहां पर पानी इकट्ठा करके रखा जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां हमारे स्प्रिंग्स हैं, पानी जो है नहरें हैं, हमें पता है कि वो पानी हमें पीने के लिए आने वाला है। लेकिन अगर सपोज उस रिजर्वर में, उस स्प्रिंग्स में हमें पता है आस बिल्कुल पास में अगर कोई एनिमल की डेथ हो चुकी है और किसी पर्सन ने उसकी डेड बॉडी वो पानी में फेंक दी, अब हमें तो पता है ना कि हमारा पानी गंदा कर रहे हो आप, अब वो पानी हमारे घर पे आएगा तो हम लोग तो वो इन्फेक्टेड जो है बेसिकली वो पानी पिएंगे ना, तो यू आर लाइबल फॉर अंडर सेक्शन 277। तो यहां पर वर्ड लिखा है कोई भी अगर पर्सन वॉलंटरली वो लिखा है, इंटेंशन इज देयर, आप करप्ट कर रहे हो, वाटर को फॉल्स कर रहे हो, जो वाटर पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वर के लिए यूज किया जाना था, रेंडर इट अनफिट फॉर द डेट पर्पज, अब वो फिट नहीं है वो पीने के लिए, तो अगर आप उसको गंदा कर रहे हो तो यू आर लाइबल फॉर दिस एंड आपकी पनिशमेंट बहुत ही कम है, 3 months 500 फाइन और विद बोथ, राइट। 278 इज इंपॉर्टेंट वर्ड, 278 के साथ हमारे पास दो से केस लॉ है एंड फर्दर जो अभी रिसेंटली हमारे ऑर्डर्स हुए हैं कि स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग 5 years पनिशमेंट और 1 crore जो फाइन उसका कंपनसेशन हो सकती है, राइट। ये एक कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था इस पर्पज के लिए कि आपको स्टबल बर्निंग जो है उसको स्टॉप करना है दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा में, यूपी में, जहां पर सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग होती है, तो उसको उसके लिए यहाँ पर एक कमीशन अपॉइंट किया गया था। तो 278 वहां पर वो लिखा है मेकिंग एटमोसफियर नॉक्शस टू हेल्थ। जब हम लोग टॉल्ट पढ़ते थे, स्टूडेंट थे हम लोग, तो वहां पर एक नया प्रिंसिपल जो है वो एस्टेब्लिश किया था, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, दैट मीन जो पर्सन पोल्यूट करेगा ही हैज टू कंपनसेट। आपने एटमॉस्फेयर किया है पोल्यूट तो यू हैव टू कंपनसेट, आपको उस एटमॉस्फेयर को सही करना होगा, दैट इज अ पोल्यूटर पे पेनल्टी। अब वो तो भी हम लोग बात कर रहे हैं टॉट में, यहां पर हम लोग क्राइम की बात कर रहे हैं। यहां पर 278 में वर्ड है कोई भी अगर पर्सन वॉलंटरली, दैट मींस इंटेंशनली विशिएट कर रहा है एटमॉस्फेयर को और वो अब वो एटमॉस्फेयर नॉक्शियस हो गया है, वो हमारे हेल्थ के लिए वो नॉक्शियस है, जहां वो जहां पर पर्सन वो रह रहे हैं उस लोकैलिटी में, वहां का आपने एटमॉस्फेयर जो है वो नॉक्शियस कर दिया, तो यू आर लाइबल। आपका नेबर जो है वो जहां कोई पर्सन वहां पर पास कर रहा है, पब्लिक वे है, उसको लग रहा है कि मैं यहां पर सांस नहीं ले पा रहा, तो यू आर लाइबल अंडर सेक्शन 278। 278 में अगर बात कर रहा हूं तो क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ, तो ये पब्लिक न्यूसेंस में भी कवर होता है, वो फर्दर एक्सटेंशन है वो पब्लिक न्यूसेंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मुरली का केस हुआ था हमारा, दैट इज मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 AER सुप्रीम कोर्ट पे नंबर 40। इसमें बिल्कुल कोर्ट ने कहा कि जो अगर पब्लिक प्लेस में आप अगर आप स्मोक करते हो तो इट इज अ पब्लिक न्यूसेंस, तो आप 278 में भी कवर करोगे और पीछे जो 268 का जो था वो बेसिकली वहां पर भी आप कवर कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड थिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट केस हमारा दैट इज मौलाना मुफ्ती सैयद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में कोर्ट ने कहा कि पब्लिक न्यूसेंस में लाउड स्पीकर भी शामिल हो जाएंगे, कई पर्सन मैरिज में लाउड स्पीकर की वॉल्यूम इतनी तेज आते हैं पूरी लोकैलिटी को तंग परेशान कर देते हैं। मैरिज पैलेसेस में यूजुअली ऐसा ही होता है कि वो जो मैरिज पैलेस है, हालांकि मैरिज पैलेस है वो लोकैलिटी में नहीं आप जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते, आपको बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अगर आप यूज कर रहे हो ऐसे लाउड स्पीकर वगैरह तो इस तरीके से आप यूज करोगे उसकी जो वॉइस है वो बाहर ना जाए, नॉइस उसकी बाहर ना जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर जो है बेसिकली वो भी पब्लिक न्यूसेंस में ही कवर होगा, तो यू आर लायबल फॉर दिस। देन यहाँ पर रिसेंटली जो
कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था, द ऑर्डर वॉज पास कि भाई यहाँ पर बर्निंग जो स्टबल हो रही है, सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग का केसेस है पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा नॉक्सियस हो रहा था और अमेरिका ने भी इनके इनके रिगार्डिंग काफ़ी हमारे जो प्रेसिडेंट को कहा था कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि आप प्लीज़ कंट्रोल करो क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा ऐसा। तो स्ट्रिक्टली उसके बाद हमने एक ऑर्डर पास किया कि भाई अगर कोई पर्सन हमारे इन एरिया में स्टबल बर्निंग करता है तो उसकी पेनल्टी 5 years और 1 crore जो है वो हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। बट द थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन कब होगा कब नहीं होगा हमें नहीं पता, बट स्टिल हमें जो प्रोविजन थी वो हमें डिस्कस करनी जरूरी थी हमें, तो वो मैंने आपको बता दी। देन द लास्ट सेक्शन, क्योंकि हम लोग 279 द लास्ट सेक्शन में है, 279 वहां पे वर्ड लिखा है रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। पब्लिक वे जो है, जो रास्ता है अपने सामने, सरकार ने हमने आपको दिया है लाइक रोड दिए, हाईवे रोड्स है हमारे पास, तो पब्लिक कोई भी अगर वे है, अगर आप उसको गेम प्ले करके वहां पर खेलोगे, मोटर बाइक जो है वो राइड करोगे, राइट रेस करोगे, तो ये ऑफेंस है क्योंकि आपकी रैश नेगलिजेंस के कारण किसी की डेथ हो सकती है, आपकी रैश नेगलिजेंस के कारण किसी को शॉक भी आ सकता है, उसको इंजरी भी इंटरनल हो सकती है। तो लॉ कहता है कोई भी पर्सन अपनी जो ड्राइविंग कर रहा है वो इस तरह रैश एंड नेगलिजेंट ड्राइविंग कर रहा है कि जिसकी वजह से हमें पता है कि वो अफेक्ट कर सकती है पब्लिक वे में कोई भी अगर पर्सन जा रहा है, तो वहां पर वो लिखा हुआ ड्राइव्स एनी व्हीकल, व्हीकल कोई भी हो सकता है, और राइड्स ऑन ए पब्लिक वे इन ए मैनर सो रैश एंड नेगलिजेंट सो एज टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ की जान को खतरा हो सकता है या फिर उसको हर्ट हो सकता है या अदरवाइज इंजरी हो सकती है, तो आपकी पनिशमेंट जो है वो 6 months 1000 फाइन और विद बोथ हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर 279 में आपकी रैश एंड नेगलिजेंट ड्राइविंग की वजह से 2 पर्सन है उसकी एक ही डेथ हो जाती है और दूसरी को ग्रीवस हर्ट हो जाता है, एक की डेथ होगी तो दूसरे को ग्रीवस हर्ट हो गया, तो यहाँ पर जो 270 बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 278 की और सॉरी 279 की, तो उसके साथ सेक्शन लिंक हो जाएंगे। अगर एक किसी की डेथ हो गई और दूसरे को ग्रीवस हर्ट हो गया तो हमारे पास 304 भी आएगा, यहाँ पर ग्रीवस हर्ट हो गया 388 भी आएगा, राइट, तो 279 भी आएगा, और अगर किसी व्हीकल्स को डैमेजेस हुए हैं तो वो 427 भी सेक्शन अट्रैक्ट होगा और इस सभी सेक्शंस के अंडर एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना, ये हमारे लिंक्ड सेक्शन है। अगर वो ग्रीवियस हर्ट नहीं है, यहाँ पर 388 इज इन रिगार्ड द ग्रीवियस हर्ट, आपकी रैशन नेगलिजेंट के कारण किसी को ग्रीवियस हर्ट होता है, यू आर लायबल अंडर सेक्शन 338 और साथ में 279, अगर किसी डेथ होगी 304A, अगर उसका व्हीकल डैमेजेस, आपने उसके व्हीकल डैमेज कर दिया 427, अगर आपको सिंपल हर्ट होता है तो 337 हो जाएगा, 338 की वजह से 337 सिंपल हर्ट, 338 ग्रीवियस हर्ट। तो ये सेक्शंस हमारे इंटरलिंक्ड सेक्शंस हैं जो हम लोग सेक्शन 279 के साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 268 टू सेक्शन 279 एंड काइंडली इसको ध्यान में रखना कि ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप दिस इन माइंड और मेक इट श्योर कि आप इनको शेयर करते रहोगे अपने फ्रेंड के साथ, उनको नॉलेज देते रहोगे और एक दूसरे की और जो प्रॉब्लम्स है वो आप सॉर्ट आउट करते रहो। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।